नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। और इस वक्त मैं पहुंचा हूं ग्राम दलाड़ा, और यहां शायद घर के अंदर कोई सांप है। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि 3 दिन से यहां पर है। अभी पता चलेगा कि सांप हमें मिलता है या नहीं मिलता। और मेरे साथ मेरे गुरुदेव बघेल सर। दिख रहा है क्या? पहला दिखियो तो नहीं, ठेले पे बैठो तो। कब? अभी थोड़ी देर पहला। थोड़ी देर पहला वो बैठा तो दोस्तों ये स्टोरेज है प्याज का। और यहाँ पर जो है ये सांप देखिए आप, कोबरा सांप जो है, भारतीय नाग यहाँ पर बैठा हुआ है। अभी देखते हैं कैसे इसको निकालना है, क्योंकि काफ़ी सारा प्याज है ऊपर की तरफ, ये देखिए। और ये जाली के ऊपर प्याज रखा हुआ, और उसके नीचे जो है काफ़ी गेप है, और उस गेप के अंदर जो है सांप बैठा हुआ है। और शायद कितने दिन से बैठा हुआ है ये 2 दिन हो गए। तो ये लोग बता रहे हैं कि 2 दिन से इस स्टोरेज रूम के अंदर है। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की। तो दोस्तों जो जाली जिसके ऊपर प्याज रखे हुए हैं, तो फिलहाल उसको हटाने के लिए जो ट्रैक्टर की मदद ली जा रही है। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है सभी लोगों को। अब आ जाओ, अब आ जाओ। अभी तुम्हें रेडी आई देंगे। हाँ वो इधर नहीं है, इस कोने में नहीं। इस कोने से तो हट गया है वो। इस कोने में नहीं। तो तकरीबन दोस्तों 1.25 घंटे से लेकर 1.5 घंटे का समय हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए रुकना। बाहर से पानी लगाना भी। हाँ चलो बाहर करो। इधर नहीं आएगी। आई लाओ बाहर। अरे बाहर से ला। चलो। ढक्कन नहीं खुला है। अब फिर कोई। आओ कल के। तो दोस्तों आपने देखा, काफ़ी मशक्कत करी सभी जनों ने, और तकरीबन हमें 1.5 से 2 घंटे होने वाले हैं तब जाकर ये जो है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा हमारे हाथ में आया है। तो चलिए पहले इसको जाल में करता हूँ। और कितने दिन से बता रहे थे आप ये? 2 दिन। 2 दिन हो गए। 2 दिन से घर के अंदर था ये स्टोर रूम में। हाँ।
तो दोस्तों अभी आपने देखा बड़ी मशक्कत करनी पड़ी और सभी जनों का पूरा योगदान था, तभी जाकर जो है इतने सारे प्याज के स्टोर में से इस कोबरा सांप को, यानी कि इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग को रेस्क्यू किया गया। इस जीव को बचाने के लिए इन सभी का योगदान है। धन्यवाद सभी को कि उन्होंने इतना परिश्रम किया और तब जाके एक जीव की जो है जान बच पाई। तो दोस्तों अभी इसको हम वापस प्रकृति मुक्त करेंगे। आपको फिर से बता देते हैं कि मैं रेस्क्यू के लिए आया था आज ग्राम दल्लाड़ा, और जीवन सिंह जी आंजना है, इन्हीं का ये घर है और यहीं से जो है हमने इस इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को रेस्क्यू किया है। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से बने रहिए वीडियो में, बहुत जल्दी अभी हम इसको रिलीज़ भी करेंगे प्रकृति में वापस। तो दोस्तों अभी आपने देखा इस इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को ग्राम दल्लाड़ा से जो हमने रेस्क्यू किया था, चलिए जल्दी से रिलीज़ कर देते हैं प्रकृति में। तो दोस्तों आप देखिए कि कई बार सांप जो है इस तरह से पीछे भी आते हैं, ये देखिए आप।